पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहला मंदिर बनाए जाने से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। कई धार्मिक संस्थाओं और सरकार के सहयोगियों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे इस्लाम विरोधी करार दिया है। क्या है इसके पीछे वजह, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंदिर बनाने की मंजूरी मिलने के बाद उसकी आधारशिला रखने की तस्वीरें सामने आई तो लगा कि पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच में बदलाव आ रहा है। इन तस्वीरों ने मन में आस जगाई कि शायद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के दिन बहुरने वाले हैं। लेकिन एक हफ्ते में ही सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। इस्लामाबाद में पहला मंदिर बनाए जाने के पहले ही बवाल शुरू हो गया। इस्लामाबाद में पहला मंदिर बनाए जाने के फैसले पर अभी तक सामाजिक विरोध के बाद अब राजनीतिक और कानूनी बहस भी छिड़ गई है। पाकिस्तानी सरकार के सहयोगी परवेज इलाही ने मंदिर निर्माण को इस्लाम विरोधी बताया है। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के खिलाफ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तोहीन है। एक हफ्ते पहले ही इस मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी जिसके लिए इमरान खान सरकार ने 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। लेकिन इस ऐलान के साथ ही कट्टरपंथियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। मंदिर निर्माण के खिलाफ मजहबी शिक्षा देने वाले संस्थान जामिया शर्फिया ने ये कहते हुए फतवा जारी कर दिया कि गैर मुस्लिमों के लिए मंदिर या धार्मिक स्थल बनाने के लिए सरकारी धन खर्च नहीं किया जा सकता। यही नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि जो जमीन हिंदू मंदिर के लिए दी गई है उसे वापस लेना चाहिए और प्रोजेक्ट के लिए जो फंड दिया गया है उसे भी वापस लेना चाहिए। फतह मक्का के मौका पर खातमुन नबीन हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैतुल्ला शरीफ में मौजूद 360 बुतों को तोड़ा था और साथ ये भी फरमाया था कि हक आया और बातल मिट गया, बेशक बातल मिटने ही वाला था। इस्लामाबाद के आसपास 1947 से पहले कई हिंदू मंदिर थे लेकिन अब इन मंदिरों में लोग पूजा पाठ नहीं करते क्योंकि ये अब मुस्लिम इलाकों में है जहां पूजा पाठ करना मना है या फिर इन मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया। इस्लामाबाद के H9 में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में कृष्ण मंदिर बनाने की इजाजत मिली तो अल्पसंख्यकों को हालात बदलने की आस बन रही थी लेकिन अब ऐसा होना आसान नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान में मानवाधिकार हनन तो होता ही है, साथ ही यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता मिलना भी आसान नहीं है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नरक बन चुका है। बीते 50 सालों में पाकिस्तान में बसे 90% हिंदू देश छोड़ चुके हैं, उसके पूजा स्थल और मंदिर भी नष्ट किए जा रहे हैं, हिंदुओं की संपत्ति पर जबरन कब्जे के मामले भी सामने आते रहे हैं। यही नहीं, आए दिन हिंदू समुदाय की बच्चियों का अपहरण करके उन्हें मुसलमान बना दिया जाता है। मानवाधिकार हनन के साथ धार्मिक आजादी छीनने के लिए भी पाकिस्तान बदनाम है। मानवाधिकार आयोग के अनुसार हर साल कम से कम 1,000 गैर मुस्लिम लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूलवाया जाता है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ पाक में लगातार हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर का निर्माण सपना ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।